सिटी पुलिस स्मार्ट इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड बिग डाटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके अपराध और अपराधियों को कंट्रोल में करेगी। इस ऐप की वजह से पल भर में पुलिस को हर अपराध और अपराध की कुंडली मिल जाएगी। इसकी वजह से कोई भी अपराधी पुलिस की नजर से बच नहीं सकेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सिटी पुलिस और स्मार्ट सिटी के संयुक्त प्रयासों से सिविल लाइन्स के कंट्रोल रूम के समीप निर्मित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लोकार्पण समारोह में इस आशय के उद्गार व्यक्त किए। लोकार्पण समारोह में सिम्बा ऐप और शहर पुलिस की वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए फडणवीस ने कहा कि शहर पुलिस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके नए आयाम हासिल करी है। सिम्बा ऐप की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करके चेहरे के अलावा आवाज से भी अपराध की पहचान हो जाएगी। स्मार्ट सिटी ने 3600 CCTV कैमरे लगाए। निजी संस्थान के करीब 2200 कैमरे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 5800 कैमरों की मदद से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगा। नागपुर IIM के सहयोग से AI प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। AI के जरिए 15 वर्ष पुरानी फोटो से भी अपराध की पहचान हो जाएगी। गढ़चिरौली मध्ये गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ बॉर्डर वर काकेर जवळ आपल्या गढ़चिरौली पोलिसांनी C60 ने एक मोठा ऑपरेशन केलेला आहे। या ऑपरेशन मध्ये 12 माओवाद्यांना यमसदनी पाठवण्याचं काम आज आपल्या पोलिसांनी केलं आहे। दुपारपासून हे एन्काउंटर चाललेलं आहे। दुपारी मी गडचिरोलीला असताना त्या ठिकाणी SP'नी आणि IG'नी मला याची माहिती दिली होती। आता लेटेस्ट माहिती अशी आहे की जवळपास 12 माओवादी मारले गेले आहेत। बॉडीज त्यांच्या मिळालेल्या आहेत। ऑटोमॅटिक मशीन गन्स आणि बरंच मोठं ॲम्युनेशन त्या ठिकाणी प्राप्त झालेलं आहे। आपल्याही एक सब इन्स्पेक्टर आणि एका पोलिसाला त्या ठिकाणी ते जखमी झालेले आहेत, पण ते आउट ऑफ डेंजर आहेत। त्यांना नागपूरला पाठवण्यात आलेलं आहे आणि अजूनही ही एन्काउंटर सुरू आहे, पण आता पूर्णपणे आपल्या पोलिसांनी त्या ठिकाणी डॉमिनन्स मिळवलेलं आहे। आणि निश्चितपणे गडचिरोली पोलिसांच्या या शौर्याकरता मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि जवळपास गेल्या काही वर्षातला हा सगळ्यात मोठा एन्काउंटर असल्यामुळे, हा सगळ्यात मोठा ऑपरेशन असल्यामुळे मी गडचिरोली पोलिसांना 51 लाख रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी राज्य सरकारच्या वतीनं जाहीर करतो। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।